और इस वक्त शिवपुरी से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता ने मिट्टी का तेल डालकर खुद को जलाने का प्रयास किया। वहीं नाराज कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना आकर अपनी समस्याओं को पुलिस के समक्ष प्रस्तुत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि 24 वर्षों से कांग्रेस कार्यकर्ता रहा हूं और हमेशा कांग्रेस का झंडा लेकर चला हूं। वहीं मेरे साथ कांग्रेस के हर छोटे बड़े कार्यक्रमों में जाते हैं। पिछले कुछ समय से कांग्रेस का समय सही नहीं होने पर भी मेरे परिवार ने कांग्रेस का साथ दिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। मेरा नाम राजकुमारी शर्मा। आपको कौन है? जिला सचिव कांग्रेस से। अच्छा, कांग्रेस से जिला सचिव। हाँ जी। अभी एक आपके पति ने ना कांग्रेस कार्यालय के सामने खुद पर मैं पेट्रोल डाल लिया, क्या कारण रहा है? क्योंकि मैं आज 20 साल से कांग्रेस से जुड़ी हूँ, 25 साल से मेरे पति कांग्रेस से, लेकिन हमको झूठी दलासा दिलाते रहे कि राजकुमारी शर्मा बाढ़ में जाओ और घर घर जाकर सबके पैर छू आपको टिकट फैलन हो गया। मैं 2 साल से पहले भी इन्होंने मुझे झूठा दिलासा दिया तो मैं उम्मीद लेकर बैठ गई थी कि मुझे मेरा टिकट मिलेगा। मैंने इनको जिम्मेदारी दे कि मैं तुमको सीट निकाल के दूँ, ऐसा ना हो कि मुझे तुम पीठ दिखा दे कि मेरा टिकट काट दे बाद में, कि नहीं आप तो कहीं सर्वे करो आप जाके, नहीं और तुम्हारा काम अच्छा चल रहा है और आप बाढ़ में घूमना। तो 2 साल से मेरी बेटी खुशबू, मेरा बेटा सागर, हम बाढ़ में घूम रहे हैं 2 साल से। और मेरे पर डायरी रखी इतनी सारी, मैंने जो सर्वे किया, मैंने वोट बड़े बड़ा है जो खत्म हो गए, कुछ लोग वोट बड़े हैं वो भी मेरे पास रखे आए, लेकिन इन लोगों ने मेरे साथ धोखा दिया। इन लोगों ने मेरे पति को बुला के बंटी शर्मा तू आ जा गई और तेरा टिकट फाइलन हुआ, तेरे ओरिजिनल कागज हुए इन्हें लेकर आ जा तू कांग्रेस पर कार्यकाल शाम को बोला। हाँ आज शाम को। तो मेरा टिकट फाइलन ग्वालियर से होके आ गया, कमलनाथ जी कैसे आ गया, लेकिन मेरा टिकट यहाँ के क्यों काटा गया? क्योंकि वो पिछला बार अशोक राठौर वो गुंडा है, क्योंकि बाढ़ वाले उसको चाह नहीं रहे, ना अन्नी को चाह रहे ना उसको चाह रहे, लेकिन बिनो कह रहे कि उसको तो हम वोट नहीं देंगे, आप मेहनत करती हो और आपको ही हम वोट देंगे और आप हमारा काम करने वाली महिला। क्या नाम है तुम्हारा? बंटी शर्मा। अच्छा, आज जो ये करप्ट किया आपने, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? मैं इस बारे में ये कहूँगा कि मेरा 4:30 बजे तक टिकट रहा है कांग्रेस पार्टी का। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, 24 साल से मैं कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहा हूँ। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बच्ची एक एक कार्यक्रम में, कमलनाथ जी के कार्यक्रम में, दिग्विजय सिंह जी के कार्यक्रम में बराबर जाती आती रहती हैं। मैं भी जाता रहता हूँ एक एक। मैं जब महाराज साहब कांग्रेस छोड़ के गए, उसके बहुत लोगों ने मुझसे कहा तुम कांग्रेस छोड़ोगे, मैं नहीं, मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, मैं कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के साथ रहूँगा। आज मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूँ 24 साल से। पिछले 2 साल से कांग्रेस की बुरी हालत है, उसमें भी हम झंडा पकड़ के कांग्रेस का काम कर रहे हैं। मेरी आश्वासन दिया गया, आप मुझे आश्वासन दिया गया था। अभी तक मेरा टिकट कांग्रेस पार्टी ने 4:30 बजे तक कमलनाथ जी की गाइडलाइन पर के पिछड़े वर्ग को सामान्य महिला को सामान्य पुरुष को टिकट दिया जाएगा, जो कि टिकट मेरा आज 4:30 बजे तक टिकट रहा है। और क्या मांग है? मेरी मांग है, मुझे टिकट चाहिए किसी भी हालत में। कमलनाथ जी से कहूँगा, दिग्विजय सिंह जी से कहूँगा, अगर उनको पार्टी चलाना है और कार्यकर्ता की जरूरत है, ईमानदार कार्यकर्ता की जरूरत है, तो उनका टिकट उनको दिया जाए, वरना मैं अपनी आत्महत्या कर लूँगा, अपने बच्चों को मार डालूंगा, आज रात 12 बजे तक सुसाइड कर सकता हूँ। फाइनल अगर बिल्कुल फाइनल है मेरा, फाइनल अगर लिस्ट नहीं आती तो मैं रात के 12 बजे तक, सुबह तक अपने बच्चों को और अपना मैं देहांत कर लूँगा, चारों लोग मर जाएंगे आज। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।